उतरन सीरियल में तपस्या का किरदार निभाकर फेमस हुई अभिनेत्री रश्मि देसाई ने अब तक कई टीवी शोज में अलग अलग तरह के किरदार निभाकर लोगों का खूब दिल जीता है। वहीं बिग बॉस में अपने दमदार प्रदर्शन के चलते आज ये घर घर में काफी पॉपुलर हो गई हैं और टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री बन गई हैं, जिनके बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको इनके बारे में नहीं बल्कि इनके रियल लाइफ हस्बैंड और बॉयफ्रेंड के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में शायद ही आप जानते हो। तो अगर आप भी इनके हस्बैंड और बॉयफ्रेंड से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। साथ ही रश्मि देसाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टीवी इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेत्री रश्मि देसाई का जन्म 13 अगस्त 1986 को असम में हुआ था, इसीलिए इनकी सारी पढ़ाई भी यहीं से कंप्लीट हुई। अगर बात करें इनके एक्टिंग करियर की तो इन्होंने साल 2006 में रावण सीरियल से टीवी इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा था, जिसके बाद इन्होंने उतरन, दिल से दिल तक और इश्क का रंग सफेद जैसे कई शोज में काम किया। साथ ही खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस 13 जैसे रियलिटी शो में भी ये नजर आई थीं। वहीं हाल ही में ये नागिन 4 में शलाका के रोल में दिखाई दी हैं। लेकिन अगर बात करें इनके हस्बैंड और बॉयफ्रेंड के बारे में तो इनके हस्बैंड का नाम नंदीश संधू है, जो कि एक मशहूर टीवी अभिनेता है और उन्होंने हम लड़कियां, ख्वाहिश और उतरन जैसे सीरियल में काम किया है। अगर बात करें इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में तो दोनों ने उतरन सीरियल में एक दूसरे के अपोजिट काम किया था और साथ में काम करते करते दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे, जिसके चलते साल 2012 में दोनों ने शादी कर ली थी। दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन बीच में रश्मि को पता चला कि उनके पति इनसे शादी करने के बाद भी किसी और को डेट कर रहे हैं, जिसके बाद दोनों के रिश्ते में दरार आ गई और दरार इतनी बढ़ गई कि दोनों का रिश्ता तलाक तक पहुंच गया। इस तरह 3 साल बाद साल 2016 में दोनों ने तलाक ले लिया और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। हस्बैंड के बाद अब बात करते हैं रियल लाइफ बॉयफ्रेंड के बारे में। तो फिलहाल ये तो सिंगल हैं, लेकिन ये अभिनेता अरहान खान के साथ एक समय पर लव रिलेशन में रह चुकी हैं। दोनों की मुलाकात साल 2018 में प्रिंस नरूला और युविका चौधरी की शादी में हुई थी, जहां दोनों पहली ही नजर में एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे, जिसके बाद अक्सर दोनों मिलते थे, लेकिन कभी अपने रिश्ते के बारे में इन्होंने खुलकर बात नहीं की। पर अब 1 साल बाद दोनों एक साथ साल 2019 में बिग बॉस 13 में नजर आए थे, जहां दोनों ने अपना रिश्ता पब्लिक भी कर दिया था, लेकिन इसी शो में इनका रिश्ता टूट भी गया। दरअसल अरहान इन्हें धोखा दे रहे थे, वो पहले से शादीशुदा थे और एक बेटे के पिता थे, लेकिन वो इनके नाम का फायदा उठाना चाहते थे, साथ ही इनकी प्रॉपर्टी पर भी कब्जा करना चाहते थे। लेकिन सलमान खान ने बिग बॉस में इनकी सारी पोल खोल कर रख दी, जिसके बाद अपने साथ इतना बड़ा धोखा पाकर रश्मि देसाई काफी टूट गई थी और आगे कभी किसी और के साथ लव रिलेशन ना रखने की कसम खाली थी, इसीलिए तो जब से लेकर आज तक ये सिंगल ही हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रश्मि देसाई के लिए कौन से टीवी एक्टर परफेक्ट रहेंगे, जिनके साथ शादी कर वो खुश रहेंगी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।